महाराष्ट्र में नई सरकार बनाए जाने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। राज्यपाल ने बीजेपी और शिवसेना के बाद अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। वहीं शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात की है, लेकिन शिवसेना के रुख से पता चलता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना दो दिलों में दिल रख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा कि भाजपा अब भी एक विकल्प है उसके लिए। बीजेपी का ऑप्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको क्यों इतनी जल्दबाजी है? राजनीति है, 6 महीने दिए है ना माननीय राज्यपाल मोदी जी ने, और एक मिनट, बीजेपीचा ऑप्शन मीने खत्म केलेला आहे, ये बीजेपीने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले भी मैं आलेख जान रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 200-210-220 सीटें आएगी, और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था, तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी अमल करो, यही मेरी मांग थी। लेकिन परसों के दिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रकांत दादाजी ने कहा कि वो तो सरकार नहीं बनाना चाहते और हमें शुभकामनाएं दी थी आघाड़ी के साथ जाने के लिए, तो उनकी भावना का आदर करना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।